12 बजे 2 बजे टिफिन, देखा जो 3 बजे सिग्नल ग्रीन। दफ्तर 12 बजे 2 बजे टिफिन, देखा जो 3 बजे सिग्नल ग्रीन। जूतों को तला से पाऊं, जीवन है धूप छाओ, रह गई कुर्सी बेचारी। यूं ही नजरे मिलाते मैंने नजरे चुराते, 4 बजे घर को सवारी। मैं मुलाजिम हूँ सरकारी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मैं मुलाजिम हूँ सरकारी। सरकारी। मैं ऑफिस में बैठा बैठा फिल्म की कहानी पढ़ूं। टाडा से छूट गया संजय। टाडा सर को टाडा। पता होगा। मैं ऑफिस में बैठा बैठा फिल्म की कहानी पढ़ूं। टाडा से छूट गया संजय। और फाइलों की भीड़ देखूं, किसे छोड़ू किसे पढ़ू, दूर से लगते हिमालय। स्ट्राइक क्या देखो यहाँ, हर घड़ी हर वक्त टीडीए लेने की लड़ाइयाँ। क्या बात है, वाह वाह, कभी भूले से जो काम कर दिया, एक दिन बॉस मेरे देते हैं बधाइयाँ। क्या फाइलों को पास करूँ, कुछ डिमांड करूँ, रिस्पेक्टेबल भिखारी। मैं बात मुलाजिम हूँ सरकारी। मैं मुलाजिम हूँ सरकारी। ओके, तो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल कैरियर पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। सरकारी उस पे भी आएंगे सर। अल्फा वन के फॉग को, बीटा टू के स्मॉग को, गामा वन के जगत फार्म को, डेल्टा टू के लड़कियों के चाम को, एप्सिलॉन के सुनसान मोड़ को, जीटा टू के जेप्टो स्टोर को, क्या ईटा वन के छठ घाट को, बात, और थीटा टू के जैतपुर के जाट को। क्या बात है, आयोटा के रईसों के ठाट को, और क्या ओमेगा के गुज्जरों के लाट को, बात काप्पा के ठंड को, और लैम्डा के आपके सामने, अरे वाह, क्या बात अरे गॉड से परी चौक तक वाह, आपके सामने लेके आया हूँ। अच्छा, मेरी बीवी बोलती है कि आपने चाय फाय साय इनके बारे में कुछ तो बोला ही नहीं, इनके बारे में भी कुछ बोल देते। मैंने बोला उनसे अपना आरडब्ल्यू नहीं बन रहा है, अब इनसे आगे क्या बना है। गजब गजब अच्छा, फिर इधर दिल्ली वाले ने ना उधर हौज खास के पास बना के रखा है डियर पार्क। वहां पे पहले डियर हुआ करते थे, बट आजकल एक भी डियर नहीं है, सारे डियर गायब हो गए। अब नोएडा वालों ने बोला हम क्या करें, उन्होंने बनाया नॉलेज पार्क। बहुत अच्छा लगा वाकई। अच्छा ठीक है, तो हमारे एक मैनेजर हुआ करते थे मतलब अब वो मैनेजर नहीं रहे, मेरे मैनेजर नहीं रहे, किसी और के मैनेजर। हाँ मतलब वही। उन्होंने उन्होंने ना यहाँ टैटू बना के रखा था, लिखा हुआ था निर्मा। मैं पूछा बोला सर ये क्या है, तो थोड़ा सा हाथ को ऐसे खोले तो पूरा दिखाई दिया नितिन वर्मा। फैमिली शो है इसलिए मैंने हाथ यूज किया। मैंने टैटू कहीं और ही बनवाया था तो हमने देख के दिल्ली। हाँ, का समय है चल जाता है नजर। ओके, तो निगमा जी एक बार इंटरव्यू ले रहे थे, और इंटरव्यू लेते समय उन्होंने अरविंद को पूछा, अरविंद नाम का था, सब पूछ के इंटरव्यू का क्वेश्चन उश्चन हुआ, सब कुछ पूछा। पूछने के बाद सिलेक्शन हो गया, फिर पूछा कि अरविंद तुम्हारे में कोई खामी या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो, वैसा कोई कमी तो नहीं है। तो अरविंद वही शुरू हो गया, पहले मेरे हॉकी खेलता था, टांग कराते ये थे, हॉकी में बहुत खेलता था, पैर कराते। एक बार हॉकी का स्टिक मेरे
बॉल्स पे लग गया, जैसे मेरे दोनों बॉल्स को काटने पड़े। तो हमारे निर्मा जी बोलते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हमारी टेक्निकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आ सकते हो। हम लोग 12 बजे आते हैं, आप 2 बजे आ सकते। सर थैंक यू कोई बात नहीं सर, आ जाएंगे, बट आप मुझे 2 बजे क्यों बुला रहे हैं? तब निर्मा जी ने बोला हम लोग 12 से तो ऐसे कुछ खास करते ही नहीं है, बैठे बैठे खुजाते रहते। गजब गजब। और एक बार देखिए मीटिंग चल रहा है, हमारे अनुज भाई के साथ मीटिंग चल रहा है, अनुज से बोल रहा, अनुज से बहुत कुछ बोले जा रहा कि अगर आपको दुनिया के सामने साइन करना है, अगर इफ यू वांट टू साइन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड देन यू मस्ट वर्क हार्ड इन अलोन, और अकेले में कुछ काम करो तब जा करके दुनिया के सामने चमक सको। बहुत बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहा। फिर निर्मा जी ने उनसे समझाया कि भाई अंधेरे में काम करने बोला था तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, कम से कम लैपटॉप तो खोल लिया करो, जीरो आए जा रहे हैं, टाइम नहीं आ रहा, तुम इधर बोल लो कि दुनिया के सामने चमकना है तो अंधेरे में कर लो। गहरा ही है। थैंक यू सर। मैंने अतुल भाई को देखा है, अतुल भाई ना मतलब ये यूट्यूब के साथ काफी इनका मैच कर रहा। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपसे बोलता है कि हम आपको ऐड नहीं दिखाएंगे जिसके लिए आप मुझे पैसे दो, और यूट्यूब आपसे बोलता है कि हम आपका ऐड दिखाएंगे आप इसके लिए पैसे दो। अतुल भाई पहले 1 हफ्ते तक मुझे बुलाए कि आ जाओ ऑडियंस बन के आओ आराम से प्रोमो करना, हम पैसे से नहीं लेते। 1 हफ्ते बाद बोल रहे कि ऑडियंस बनने के पैसे लगेंगे आपको। फिर 1 हफ्ता मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं परफॉर्म ही कर देता हूँ, तो पहला 1-2 परफॉर्म तो फ्री में करा दिए, अब बोल रहे परफॉर्म करने के भी पैसे लगेंगे। अरे ना उधर बैठने के लायक रहे ना इधर लायक रहे। और इधर मेक मी स्टार बहुत अच्छा था प्रोमो के लिए। अच्छा ये हमारे एक भाई ने अभी भी नया थार खरीदा, नया कार खरीदा, बाहर जाके देखा कि एक बार ट्रैफिक पुलिस के साथ बड़े प्यार से एकदम पोज बना के बात किए जा रहा है ट्रैफिक पुलिस से कि स्रोत पे तो सभी चलते हैं, स्रोत के भी विपरीत जो चलते हैं वो जिंदगी में कुछ कर बनते हैं, वो फ्लो विद द समथिंग कुछ कुछ बोले जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने बड़े प्यार से उसको समझाया भाई ये आने का रास्ता है ये जाने का रास्ता है, तू इधर से नहीं आ सकता, तुझे उधर से ही आना आना पड़ेगा, यहाँ पे स्रोत वाली बात फिट नहीं होगी। बस इसी के साथ में आज का। अरे वाह।